हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वुमेंस क्लब में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोटापा घटाने के लिए बाबा रामदेव की 10 तरीके आप भी अपनाएं। मोटापा घटाने के लिए योग और एक्सरसाइज के साथ ही सही डाइट और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन काफ़ी इफेक्टिव है। योग गुरु बाबा रामदेव भी तेजी से वजन घटाने के लिए इन्हीं चीज़ों का सलाह देते हैं। आपने कई कार्यक्रमों और वेबसाइट पर देखा होगा, स्वामी रामदेव ने मोटापा घटाने के लिए कुछ योगासन और आयुर्वेदिक दवाओं को लेने की सलाह दी है, जिसे हम सरल तरीके से आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। टिप्स नंबर 1, कपाल भाती प्राणायाम। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उन्हें रेगुलर सुबह और शाम 30 मिनट तक कपाल भाती प्राणायाम करना चाहिए। कैसे करें कपाल भाती प्राणायाम? रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए और पैरों को सामने की ओर मोड़कर बैठें। लंबी सांस लें, फिर जोर से सांस छोड़ें। सांस खींचने में ज़्यादा जोर ना लगाएं और सांस जोर से छोड़ने पर ध्यान ना दें। यह क्रिया करते समय सांस धौंकने के समान चलना चाहिए और पेट फूलना और सिकुड़ना चाहिए। शुरू में इसे 15 से 20 बार करें। ब्रेक लेकर धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं। कपाल भाती प्राणायाम करने के फायदे। इससे पेट और बॉडी की मसल्स ट्यून होती है, मोटापा घटता है। अगला आसन है दोस्तों, हस्त पदासन। 5 मिनट हस्त पदासन करें, फिर सीधे लेटकर एक एक पैर को ऊपर नीचे गोल घुमाएं, साइकिल की तरह पैर चलाएं। आइए जानते हैं इसे कैसे करें। एक समतल स्थान पर दरी या चटाई बिछाएं और शोल्डर तथा बैकबोन को सीधा रखते हुए सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाकर शोल्डर की सीध में लाएं, फिर शोल्डर को थोड़ा थोड़ा आगे की ओर प्रेस करते हुए हाथों को सिर के ऊपर तक उठाएं। ध्यान रहे कि कंधे कानों से सटे हुए हों। जब बाहें एक दूसरे के समानांतर ऊपर उठ जाएं, तब धीरे धीरे कमर को सीधा रखकर सांस भीतर खींचते हुए नीचे की ओर झुकें। झुकते समय भी ध्यान रखें कि कंधे कानों से सटे रहें। घुटने को सीधे रखते हुए हाथ की दोनों हथेलियों से पैरों के पंजे को छूने और माथे को घुटने से छूने की कोशिश करें। अपनी कंफर्ट के हिसाब से कुछ सेकंड तक इस पोजीशन को बनाए रखें। धीरे धीरे इस पोजीशन से ऊपर उठें, वापस खड़ी पोजीशन में आकर हाथों को कमर से सटाएं और रिलैक्स करें। कुछ सेकंड तक रिलैक्स करने के बाद फिर से इसे दोहराएं। ऐसा 5 से 7 बार करें। हस्त पदासन के फायदे। इससे बॉडी का एक्स्ट्रा फैट बर्न होगा, बॉडी शेप में आएगी। अगला आसन है दोस्तों, सूर्य नमस्कार। रेगुलर जॉगिंग और सूर्य नमस्कार करें। इस आसन को योग एक्सपर्ट से सीखकर और उनकी निगरानी में योगा अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार के फायदे। पेट के आसपास की चर्बी तेजी से कम होगी। अगला है दोस्तों, रनिंग। अगर आप यंग हैं तो रनिंग और स्विमिंग करें या फिर तेज चाल से वॉक करें। रनिंग के फायदे। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और बॉडी में जमा एक्स्ट्रा फैट बर्न होगा। अगला है दोस्तों, उज्जयी प्राणायाम। थायराइड के कारण मोटापा है तो कपाल भाती प्राणायाम के साथ 7 to 11 टाइम उज्जयी प्राणायाम करें। कैसे करें उज्जयी प्राणायाम? आराम से बैठ जाएं, गले को टाइट करके आवाज करते हुए नाक से सांस अंदर खींचें। इस बात का ध्यान रखें कि सांस नाक से ही लें और मुंह बंद रखें। गले की मांसपेशियों को सिकुड़ कर रखें। गले से घरघराहट की आवाज करते हुए सांस नाक के जरिए बाहर छोड़ें। शुरुआत में 2 से 3 मिनट तक ही करें, फिर धीरे धीरे 10 मिनट तक ले जाएं। सांस लेने और छोड़ने का समय एक बराबर होना चाहिए। ध्यान रखें, बगैर सीखे या किसी एक्सपर्ट की निगरानी के बिना इस आसन को ना करें। उज्जयी प्राणायाम के फायदे। थायराइड कंट्रोल होगा और मोटापे की प्रॉब्लम दूर होगी। अगला है दोस्तों, एक्यूप्रेशर। अंगूठे के नीचे हथेली पर 2-2 मिनट दबाएं। एक्यूप्रेशर का फायदा।
मोटापे के साथ ही थायराइड की प्रॉब्लम में फायदा होगा। आइए अब हम जानते हैं बाबा रामदेव द्वारा बताए गए वैदिक की सलाह। दो दो गोली मेदोहर वाटी और एक एक गोली त्रिफला गूगल सुबह शाम खाएं। अगला वैदिक की सलाह है, शरीर में सूजन या वाटर रिटेशन अर्थात पानी जमा होने के कारण मोटापे की प्रॉब्लम है तो पुनर्न वादी मंडूर का सेवन करें। अगला वैदिक की सलाह है, अश्वगंधा के 3-3 पत्ते सुबह दोपहर और शाम को हाथ से मसल कर और चबा कर खाएं। अगला वैदिक की सलाह है, सुबह शाम खाली पेट 3-5 चम्मच गौमूत्र का अर्क गर्म पानी में मिलाकर पिएं। अगला वैदिक की सलाह है, रोज सुबह लौकी का जूस पिएं तथा ध्यान रखें कि लौकी कड़वी ना हो। तो ये थे दोस्तों बाबा रामदेव द्वारा बताए गए ये 10 तरीके अपनाकर आप भी मोटापे से निजात पा सकती हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।